नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइव न्यूज में। बात करेंगे आज की ताजा और अहम खबरों की। इससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि देश में फैली ये महामारी खत्म हो और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से, मगर उससे पहले नजर डालते हैं इस महामारी से होने वाले आंकड़ों पर। तो देश में अब तक इससे कुल 49,321 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात ये भी है कि इस बीमारी से अब तक 14,182 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं बेहद दुखद बात ये भी है कि इससे अब तक 1,694 लोग ने दम तोड़ दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रेलवे ने अब तक चलाई 140 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1,35,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुँचे घर। जी हाँ, देश के इतिहास में पहली बार रुकी भारतीय रेलवे ने प्रवासियों के लिए जमकर काम किया है। कुछ ही दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लाखों लोगों को अपने घर पहुंचाया गया है। रेलवे ने बुधवार को कहा कि उसने 1 मई से अब तक 140 श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं, जिसने लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए 1,35,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सरकार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान। 11 मई से 30 जून तक बंद रहेंगे। जी हाँ, दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। यह छुट्टी 11 मई से 30 जून तक रहेगी। गर्मियों की छुट्टी के दौरान छात्रों को स्कूल में न बुलाने का भी आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के सभी स्कूलों को 23 मार्च से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दुनिया भर से भारतीयों की घर वापसी आज से शुरू, बंदरगाह और एयरपोर्ट भी तैयार। जी हाँ, कोरोना के कारण देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा दुनिया भर में फंसे भारतीयों को लाने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। गुरुवार को विदेश से आ रहे सैकड़ों भारतीयों के लिए देश के हवाई अड्डे और बंदरगाह पूरी तरह से तैयार हैं। गुरुवार से शुरू हो रहे अब तक के इस सबसे बड़े अभियान की तैयारियों को बरकरार रखने के लिए विश्व मंत्रालय ने बुधवार को कई बैठक की। साथ ही हवाई अड्डों को भी इसके लिए तैयार किया गया, क्योंकि गुरुवार को एयर इंडिया की ऐसी ही एक फ्लाइट ने 200 नागरिकों के साथ अबू धाबी से भारत आई है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि रियाज नाइको की सुरंग ही बनी उसकी कब्र का रास्ता। जी हाँ, रियाज नाइको का इनकाउंटर सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में था, जिसकी तलाश पिछले 3 साल से हो रही थी। इस आतंकी के सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। ये कश्मीर में आतंक के पोस्टर बॉय बुरहान वानी में मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की रीढ़ की हड्डी बन चुका था। इसके साथ ही आपको बता दें कि वतन वापसी के लिए भारी संख्या में आ रहे आवेदन, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट क्रैश। जी हां, विदेश में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीयों को 7 से 13 मई के बीच 64 उड़ानों के जरिए स्वदेश लाने की भारतीय सरकार की घोषणा के एक दिन बाद ही नागर विमान मंत्रालय की वेबसाइट बुधवार दोपहर को क्रैश हो गई। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा, हमारी वेबसाइट अभूतपूर्व भोज के कारण काम नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का दल इस पर काम कर रहा है। फंसे हुए नागरिकों को लाने वाली उड़ानों से संबंधित विवरण एयर इंडिया की वेबसाइट पर जल्द ही डाला जाएगा, आप वहां सीधे इसे देख सकते हैं। असुविधा के लिए हमें खेद है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अन्य ताज़ा खबरें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके।